हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। परिवहन विभाग में वैकेंसीज आई हुई हैं। दो पोस्ट हैं जिन पर भर्ती की जानी है। फर्स्ट है सहायक परिवहन क्षेत्रीय अधिकारी एंड सेकेंड परिवहन उप निरीक्षक। ये दो पोस्ट हैं जिन पर भर्ती की जानी है। परमानेंट भर्ती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी। सैलरी 40,000 पर मंथ रहेगी, इनिशियल सैलरी रहेगी। दोनों ही पोस्ट के लिए सैलरी भी डिफरेंट रहेगी। सो यहाँ पर ये जो आप सैलरी देख रहे हैं, ये सहायक परिवहन क्षेत्रीय अधिकारी पोस्ट के लिए रहेगी। दोनों पोस्ट के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा 3 ईयर्स का। 3 साल के बाद स्थायी भर्ती कर दी जाएगी। सो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा या आप इसकी ऑफिशियल साइट से भी चेक कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज हैं छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं। सो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो फीस रहेगी वो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट रहेंगे जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी होगी। सो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 13 अप्रैल 2022 को। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा इन पोस्ट के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 15 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन के लिए भी इसमें 15 मई से 19 मई 2022 तक अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप इसमें करेक्शन चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। इसका चार्ज आपका 100 रुपीज़ रहेगा। पोस्ट आप देख रहे हैं भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों से अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग के अंतर्गत सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन इनवाइट हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, CGPSC की ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट आप देख रहे हैं टोटल पोस्ट 20 हैं, 20 हैं और सैलरी भी आप देख रहे हैं दोनों पोस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पद विवरण दिया गया है। पोस्ट अगर देखें तो सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिक लेवल 9 से इसमें सैलरी रहेगी। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में इसमें मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद अगर आपके पास नहीं है लाइसेंस अभी, तो नियुक्ति के उपरांत जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसके दौरान आपको यहाँ पर लाइसेंस देना होगा, तो आप लाइसेंस बनवा सकते हैं अभी। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रखी गई है, अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होना चाहिए, जिसमें हाइट है 165 सेंटीमीटर, कम से कम आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति कैंडिडेट हैं उनके लिए 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, सीना 81.50 सेंटीमीटर एंड 86.50 सेंटीमीटर फुलाकर। इसके बाद 6x9 एंड 6x12 से कम आई साइड यहाँ पर दी गई है। सो आप यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा। सेकंड पोस्ट हम देखेंगे परिवहन उप निरीक्षक के लिए, इसमें जो सैलरी रहेगी लेवल 7 से रहेगी। नॉन गेजेटेड ये पोस्ट हैं दोनों ही एंड इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसके साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी रिक्वायरमेंट हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर, सेम जो रिक्वायरमेंट फर्स्ट पोस्ट के लिए थी वही इस पोस्ट के लिए रखी गई है। प्रोविशन पीरियड यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 साल का प्रोविशन पीरियड रहेगा, तो जो आपकी सैलरी रहेगी उसका कुछ परसेंटेज 70% आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, 80% आपको सेकेंड ईयर में एंड 90% आपको थर्ड ईयर। 3 साल आपको इसका परसेंटेज के अकॉर्डिंगली पे किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही स्थायी भर्ती होती है तो आपकी लेवल 7 एंड लेवल 9 से जो सैलरी बनती है वो आपको पे की जाएगी। एज लिमिट देखेंगे, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए मिनिमम जो एज है वो 24 है एंड मैक्सिमम 30 रखी गई है। 24 से 30 साल होनी चाहिए, 1 जनवरी 2022 कट ऑफ डेट रहेगी इसकी। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल कैंडिडेट ही माने जाएंगे। जनरल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा। सेकेंड जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट 21 से 30 साल रखी गई है और ये भी 1/1/2022 के बेस पर देखी जाएगी। इसके बाद हम नीचे देखेंगे और इसमें स्क्रॉल करते हैं,
जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो रायपुर रहेगा, रायपुर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। एंड इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फीस पे करनी होगी वो है 400 रुपीज़। अब आप यहाँ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओनली आपको 30 रुपीज़ GST शुल्क दे होगा। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको 400 रुपीज़ पे करने होंगे, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर हमने इसमें बता ही दिया है कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट, किराया, राशि भुगतान, ये आपका डिटेल में बताया गया है, सो आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी पूरा सिलेबस डिटेल में दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। कितने मार्क्स का होगा, चयन 2 चरणों में होगा, प्रथम चरण परीक्षा और सेकेंड आपका इंटरव्यू। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 300 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ओवरऑल इसमें टोटल जो रहेगा 330 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे की टाइमिंग आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में दी जाएगी, MCQs टाइप्स रहेंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 100 क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप चाहें तो इसका चेक कर लीजिएगा। अभी मैं बाहर हूँ इसलिए आपको कंटिन्यू रेगुलर वीडियोज़ भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो आप इसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, इसमें आपको सिलेबस भी डिटेल में मिल जाएगा दोनों ही पोस्ट के लिए। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा। थैंक यू।